दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार, आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज। जी मैं आज बात करने वाला हूं, लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और बिहार को लगातार सौगात देने और शिलान्यास उद्घाटन करने की बात कही जा रही है, जिसमें किया भी जा रहा है। और लगातार आप देखेंगे बेतिया में आने वाले थे, लगभग 28 फरवरी को टाल दिया गया, उसके बाद लगातार 3 बार टाला गया, चौथी बार में बेतिया वो पहुँचे हैं। आखिर मसला क्या था, इस पर बात करेंगे अभी हम। हमारे बीच युवा राजद का राष्ट्रीय नेता मौजूद है, इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे आखिर इनके क्या विचार हैं। कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी 10 साल में बहुत बढ़िया विकास किया है, तो विकास का पैमाना क्या है और राजद की तरफ से उनकी क्या विचार है, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए सर, प्रधानमंत्री लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं और बिहार को लगातार सौगात दे रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिहार को जो सौगात दे रहे हैं, शायद UPA 1 की जब सरकार बनी थी जी, तो रघुवंश बाबू ने 65,000 करोड़ रुपया जी ग्रामीण विकास के फंड से बिहार सरकार को देने का काम किया था जी। वहाँ भूतल परिवहन मंत्री ने करीब 30,000 करोड़ रुपया इस बिहार की सड़कों को ठीक करने के लिए दिया था, और कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्रालय से भी 30 से 35 लाख करोड़ रुपया इस प्रदेश की बिजली की सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए, जिसका क्रेडिट अभी तक लोग नीतीश कुमार को दे रहे हैं। वो कहने केंद्र सरकार से लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान जी, रघुवंश बाबू और जो लोग वहाँ मिनिस्टर थे, उन लोगों ने UPA 1 और UPA 2 में भेजा जी। ये बिहार के एक बहुत बड़ा पैकेज भेजा, उतना बड़ा पैकेज आज तक न उससे पहले कभी आया न उसके बाद कभी आया। 10 साल की तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं मनमोहन सिंह के 10 साल को और नरेंद्र मोदी जी के 10 साल को, तो 2014 तक हमारे देश का विकास दर 7.6% के आसपास था, अभी वो घट के 2024 में 4.9 के आसपास आ गया। हर साल हमारा GDP घटता जा रहा है। देश पे जो विदेशी कर्जा था वो 52 लाख करोड़ था 14 में जी। वो अभी बढ़ के 173 लाख करोड़ हो गया है। देश की GDP पे कर्जा पिछले साल 50% के आसपास, वो बढ़ के 70% GDP के अगेंस्ट में कर्ज ले लिया गया। देश के में 25 लाख करोड़ विभिन्न बैंकों का जो कॉरपोरेट जगत का था उसका कर्ज को माफ़ किया गया, 25 लाख करोड़ जी। इस 10 साल के पीरियड में मनमोहन सिंह ने भी कर्ज माफ़ किए, लेकिन बैंकों को सिर्फ 1 लाख करोड़ माफ़ किया, जिसमें 78,000 करोड़ रुपया सिर्फ किसानों का कर्ज माफ़ी हुआ था। इसमें 25 लाख करोड़ में 24,50,000 करोड़ सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और कॉरपोरेट घरानों का माफ़ हुआ है। तब हमारे सिलेंडर की कीमत 450 रुपये थी, अब सिलेंडर की कीमत 1200 रुपये के आसपास आ गई। तब हम 30 से 60 रुपये के बीच रिचार्ज करा के घूमते थे, आज हमें 299 से लेकर 239 से लेकर 599 तक का रिचार्ज कराना पड़ता है। एक परिवार पर कम से कम सिर्फ टेलीफोन और गैस के ऊपर 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपया, 3,000 रुपया एक परिवार को ज़्यादा उठाना पड़ रहा है पिछले UPA से अब की सरकार में। महंगाई का दर, बेरोजगारी का दर इतना तेज़ी से बढ़ा है, हमारी कैपेसिटी 90 लाख हमारे यहाँ वैकेंसियाँ थी केंद्र सरकार में, उसमें एक अगेंस्ट में 7 लाख लोगों की बहाली हुई है। और कहा जा रहा है प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि स्वरोजगार करने की बात वो कह रहे हैं, तो स्वरोजगार करें मुद्रा उनके तहत रोजगार में जाएंगे, अपना नौकरी करेंगे, अपना लोग क्रिएट करेंगे, नौकरी क्रिएट करेंगे। स्वरोजगार लोन में 50,000 से कौन सा व्यापार शुरू हो सकता है, और अगर हम कुछ बना भी लेते हैं तो हम उसको बेचने कहाँ जाएंगे? सरकार 10 लाख तक आपको लोन दे रही है। 10 लाख तक लोन क्या योजना लाई है सरकार? क्राइटेरिया क्या है उसका? आपको क्या, जितने कागज आपको बनाने होंगे उस कागज बनाने में 2 से 2.5 लाख रुपए आपका खर्च है। जो बिचौलियाँ जो कर्ज दिलाते हैं ऑनलाइन मेथड से उनका हो रहा है, उनके प्रोजेक्ट को मान्यता नहीं मिलती है। वो 10 लाख जो हमने, तो उतने जितना उन्होंने लोन दिया होगा उससे आया, तो हमने 17 महीने में लोगों को सरकारी पक्की नौकरी और परमानेंट दी है। कल जो प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह रहे हैं बिहार में जंगल राज की मसीहा काजल लालू जी को, बताइए जंगल राज कैसे हुआ? ये मंगल राज था, गरीबों का राज था, उसको अगर जंगल राज कहते हैं तो उनका बड़प्पन है। गरीबों ने पहली बार बिहार में सांस लेना अगर सीखा है, बराबरी का दर्जा उन्हें नागरिक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो लालू प्रसाद यादव जी का। वो 90 से 2005 का रीजन था जहाँ दलितों पिछड़ों को इंसान नहीं जानवर समझा जाता था, उन्होंने अपने आप को इंसान समझने का हक दिया, उसका नाम था लालू प्रसाद। अगर जंगल राज बोलते हैं तो बोलने दीजिए। शाम का 6 बजे निकल नहीं पाते थे लोग। ऐसा कोई ऐसा, आप 15 साल पहले मेरे साथ चलिए, 15 साल पहले पूरे पटना में कोई ऐसी घटना हुई हो जो शाम के बाद लोग चले हों उनकी घटना हुई हो? ये सब बकवास है, ये बेवजह, ये लोग तूल देते हैं, गप मारी करते हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आए, 15 लाख देने का जुमला देके, ये सब जुमलेबाजी है उनकी, उसके अलावा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को इस बिहार की जनता, जुमलेबाजी था तो राष्ट्रीय जनता दल 2019 में जो चुनाव लड़ा था वो दो लोकसभा का, तो उसमें 0 सीट आया था, आने की वजह थी। वहाँ पाकिस्तान पे उन्होंने जो फर्जी बमबारी दिखाया उसका नतीजा था,
और कुछ नहीं था। छदम राष्ट्रवाद का नारा लोग 5 साल में भूल गए थे। ये नकली राष्ट्रवादी लोग जो देश को गिरवी रखना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों की दलाली कर रहे हैं, देश का पूरा पैसा विदेशों में जा रहा है। आपको इसका डाटा भी डिटेल से आपको पता चल जाएगा। करीब $2 trillion हर साल इस देश में ये मोबाइल कंपनियाँ, टीवी कंपनियाँ और लैपटॉप कंपनियाँ देश से लेके जा रही हैं। अगर विदेश में हमारे मजदूर काम करने वाले नहीं रहते तो इन 10 सालों में हमारी पूरी की पूरी ध्वस्त हो जाती है इकोनॉमी। जो धन है उन लोगों का जो विदेश में मजदूरी करके कुछ फॉरेन करेंसी ला रहे हैं, जिससे हमारा देश बचा हुआ है, नहीं तो श्रीलंका से भी बुरी हालत में हम जा रहे हैं। जिस ढंग से कर्जा ले रहे हैं और जिस ढंग से विदेशी कंपनियां यहां से हमारे पैसों को लेके जा रही है। तब देख रहे थे, आप देख रहे थे कि इनकी क्या विचार है। राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता होने के नाते तो आपकी क्या विचार है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।